Good morning, students. Once again, we are here to discuss the English of class 7. And our recommended book is The English Root, a multi-skill course in English for class 7. And we have to discuss the October month syllabus. And here we are going to discuss lesson number 14, The Nightingale. Freedom is a precious thing. बच्चों आप सभी जानते हो कि आज़ादी बहुत ही कीमती चीज़ है. And read this story and find out how freedom is precious. Here, in the story, the emperor's palace was the most beautiful in the world. Emperor's का जो palace है, ये विश्व में सबसे खूबसूरत है. In the garden were to be seen wonderful flowers, and to the costliest of these silver bells were tied. ये जो garden है, उसका जो महल का garden है, ये इतना खूबसूरत है, और यहाँ महंगे से महंगा silver bells लगे हुए हैं, which rang so that nobody should pass by without noticing the garden. ठीक है, मतलब ये इस तरह से लगे हुए हैं गार्डन में कि जब भी कोई जाएगा तो बिना नोटिस किए हुए गार्डन को पास नहीं कर पाएगा. इट एक्सटेंडेड सो फार फॉर द गार्डनर हिमसेल्फ डिड नॉट नो वेयर द एंड वाज. ये इतना चौड़ा लंबा चौड़ा है कि गार्डनर भी जो माली है वो भी नहीं समझ पाता कि ये कितना लंबा है. इफ़ वन वेंट ऑन एंड ऑन वन वुड कम टू ए ग्लोरियस फॉरेस्ट. और एक जब इसमें आ जाएगा तो इस तरह से चलता चला जाएगा, उसे लगेगा कि एक खूबसूरत सा जंगल में हम आ चुके हैं. द वुड एक्सटेंडेड स्ट्रेट डाउन टू द सी, और जो लकड़ियों के पेड़ हैं वो समुद्र के किनारे तक जाएंगे. एंड इन द ट्रीज लिव्ड इन अ नाइटेंगल, और उन पेड़ों की तरफ एक पक्षी नाइटेंगल जो जिसका नाम है वो रहती थी. इट सैंग सो स्प्लेंडिडली डैट इवन द पुअर फिशरमैन who had many other things to do stopped till and listened when he had gone out at night to throw his nets. मतलब वो इतना बढ़िया गाती थी कि जो बेचारे गरीब मछुआरे भी थे जिनके पास तो दिन भर के बहुत अपने रूटीन के हिसाब से काम करने को रहता था, वो भी उस रास्ते से जाते थे तो नाइटिंगल की आवाज़ सुन करके रुक जाते थे, उसके गीत को सुनने लगते थे. ठीक है, जो रात के वक्त अपना जाल समुद्र में फेंकने जाते थे. From all the countries of the world, दुनिया के बाकी देशों से travelers जो मुसाफिर थे वो सब आते थे और emperors को के palace और उसके garden को admire करते थे. But when they heard the nightingale, they said this is the best of all. वो फिर जब nightingale के संगीत को सुने तब वो आके बोलते थे कि nightingale की आवाज़ ही सारी चीज़ों से best है. At last words come to the emperor. आखिरकार ये शब्द emperor तक पहुँचे. What's that? He exclaimed. वो बोले ये क्या है? I don't know the nightingale at all. मैं nightingale के बारे में कुछ नहीं जानता. Is there such a bird in my empire? क्या ये एक पक्षी है जो मेरे राज्य की है? And even in my garden, और यह मेरे garden में भी है. I have never heard of that. मैं इसके बारे में कभी नहीं सुना हूँ. I command that he shall appear the I command that he shall appear this evening and sing before me. मैं कमांड करता हूँ कि मेरे शाम को मेरे दरबार में पेश किया जाए और वो मुझे अपना गीत सुनाए. But where was the nightingale to be found? लेकिन nightingale मिलेगी कहाँ? The court had not heard of it either. Court इस बात को नहीं जानता था दरबार. There was a great inquiry about the wonderful nightingale. एक पूरी लंबी चौड़ी इंक्वायरी की गई उस नाइटेंगल के बारे में, विच ऑल द वर्ल्ड न्यू एक्सेप्ट ऑफ द पीपल ऑफ द पैलेस. जो हाँ पूरे विश्व के लोग जानते थे सिवाय सिर्फ पैलेस के राजघराने के लोग नहीं जानते थे. एट लास्ट दे मेट अ पुअर लिटिल गर्ल इन द किचन. बाद में सारे लोग एक गरीब लड़की से उसके किचन में मिले. हु सेड यस आई नो द नाइटेंगल, मैं नाइटेंगल को जानती हूँ. वेल इट कैन सिंग सी ग्लोरियसली, ये बहुत खूबसूरत गाती है. एवरी इवनिंग आई गेट लीव टू कैरी माई मदर द स्क्रैप्स फ्रॉम द टेबल. जब मैं हर रोज जाके टेबल से स्क्रैप्स उठाती हूँ अपनी माँ के लिए. सी लीव्स डाउन बाई द स्ट्रीम, वो गली से जाती है. एंड वेन आई गेट बैक टायर्ड, जब मैं थक जाती हूँ और रेस्ट करती हूँ लकड़ियों पर. वेन आई हेयर द नाइटेंगल सिंग आई इट इज़ जस्ट एज इफ माई मदर किस्ड मी. ये इतना खूबसूरत लगता है कि मानो कि
उसकी संगीत मेरी माँ के उस चूमने के बराबर है जो माँ मुझे मुझे चूमती है प्यार से। सो द स्टूडेंट्स, यहाँ दिया हुआ है कि जो लिटिल गर्ल है लेट आउट द वे इनटू द वुड्स, तो उस छोटी बच्ची ने ही सारे लोगों को जो दरबार के लोगों को एक रास्ता बताया नाइटिंगेल तक जाने का। हाफ द कोर्ट वेंट, आधा कोर्ट दरबार चला गया, एंड द चाइल्ड पॉइंटेड एट लास्ट वो लिटिल ग्रे बर्ड, उसने फिर लास्ट में के लिटिल ग्रे बर्ड को पॉइंट किया, बोला कि यही हो नाइटिंगेल, बाओ इट कांट बी पॉसिबल, दे सेड, बोला कि ये ऐसा नहीं हो सकता। हाउ डल इट लुक्स, ये तो कितना डल दिखती है, बट इट मे हैव लॉस्ट इट्स कलर, शायद इसका कलर इसका लॉस्ट हो गया होगा एट सीइंग सच ग्रैंड पीपल अराउंड। लिटिल नाइटिंगेल कॉल्ड किचन मेड, छोटी बच्ची किचन की उस लड़की से बोलती है, आवर ग्रेसियस एम्परर विशेस यू टू सिंग बिफोर हिम, तो हमारे जो शाही दरबार के राजा हैं वो चाहते कि तुम उनके सामने गाओ। माई सॉन्ग साउंड्स बेस्ट इन द ग्रीन वर्ल्ड, उसने कहा कि मेरे इस पूरे जंगल में मेरी आवाज़ सबसे बेहतर लगी उनको। नाइटिंगेल रिप्लाई द नाइटिंगेल, स्टिल आई कम विलिंगली व्हेन इट न्यू व्हाट द एम्परर विश्ड, द पैलेस वॉज फेस्टिवली अडॉर्न फॉर इट, राजघराने को खूबसूरत तरीके से सजाया गया महल को। द वॉल एंड द फ्लोरिंग विच वेयर ऑफ पोर्कलेन ग्लीम्ड इन द वे ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गोल्डन लैम्प, दीवारों और फर्शों पर हर जगह सजावट की गई और गोल्डन लैम्प्स लगाए गए। द मोस्ट ग्लोरियस फ्लावर्स हैड बीन प्लेस, सबसे खूबसूरत फूल महल में रखे गए, उसके आने वाले जो स्टार्टिंग एंट्रेंस के पैसेज है। इन द ग्रेट हॉल देयर हैड बीन प्लेस्ड अ गोल्डन पर्स, और ग्रेट हॉल में गोल्डन पर्स रखा गया, ऑन विच द नाइटिंगेल सेट द लिटिल किचन गर्ल हैड रिसीव्ड ए परमिशन, जो लिटिल किचन गर्ल को था उसको परमिशन दिया गया टू स्टैंड बाई द डोर, तुम दरवाजे पर खड़े रहो, और द कोर्ट वॉज इज फुल ड्रेस एंड ऑल लुक्ड एट द लिटिल ग्रे बर्ड टू विच द एम्परर नोडेड, तो जो भी दरबार था पूरा फुल हो गया, तुम ये दरवाजे पे खड़े रहो, तुम मत जाओ, ठीक है, दरबारियों से पूरा दरबार फुल हो चुका है और एम्परर अबा नहीं होंगे। देन द नाइटेंगल सैंग सो ग्लोरियसली दैट द टीयर्स कम इन टू एम्परर साई, अब नाइटेंगल्स इतना खूबसूरत गीत गाई एंड उसकी मेलोडी असली जो साउंड थी आवाज़ थी वो पूरे राज दरबार में गूंज उठी और एम्परर के आंखों से आंसू निकल गए। एंड द सॉन्ग वेंट स्ट्रेट टू हिज हार्ट, इट वॉज टू रिमेन एट द पैलेस नाउ, ये अब यहीं रहेगी, एम्परर डिसाइड, एम्परर ये डिसाइड करते हैं, टू हैव इट्स ओन की, जिसका खुद का पिंजरा रहेगा, विथ लिबर्टी टू गो आउट ट्वाइस डे एंड वंस एट नाइट, और दिन में 2 बार और रात के समय 1 बार ये बाहर जाएगी अपनी मर्जी से। 12 servants आर अपॉइंटेड व्हेन द नाइटिंगेल वेंट आउट, 12 नौकर मिलेंगे जब नाइटिंगेल बाहर जाएगी। ईच ऑफ होम हैड अ सिल्कन स्ट्रिंग फास्टन टू द बर्ड्स लेग विच ही हैड वेरी टाइटली टाइटली, इसके गोल्ड कलर के सिल्कन रस्सी से धागे से उसके लेग में बांध दिया जाएगा, जो इसको ये लोग बहुत हार्डली पकड़ के रखेंगे। देर वॉज रियली नो प्लेजर इन एन एक्सकर्सन ऑफ डैट गैन, तो इसमें कोई आज़ादी नहीं होगी, द होल सिटी स्पोक ऑफ द वंडरफुल, पूरा शहर ये बात बोलता है कि इसमें पक्षी की आज़ादी छीन जाएगी। वेन टू पीपल मेट, वन सेड निकटिन अदर सेड गेल, विच वॉज ऑल डैट वॉज नेसेसरी, 11 पेडलर्स चिल्ड्रेन वेर नेम्ड आफ्टर द बर्ड्स, और फिर 2 11 छोटे बच्चों का पेडलर्स के नेम उस पक्षी से रखा गया, बट नॉट वन ऑफ देम कुड सिंग अ नोट, लेकिन उसमें से कोई भी एक बच्चे ने नाइटिंगेल जैसा गीत नहीं गाया। वन डे द एम्परर रिसीव्ड अ लार्ज पार्सल मार्क द नाइटिंगेल, उसमें नाइटिंगेल का मार्किंग किया हुआ था। ही थॉट इट वॉज अ प्रेजेंट फॉर द बर्ड, वेन बट वेन ही ओपन इट ही फाउंड अ बॉक्स इन साइड द बॉक्स वॉज एन आर्टिफिशियल नाइटिंगेल, उसने जब उस बॉक्स को खोला तो उसे लगा कि नाइटिंगेल के लिए किसी ने प्रेजेंट भेजा है, तो स्टूडेंट राजा ने झट से बॉक्स को खोला, उसने देखा कि एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स है और उसके अंदर एक नई आर्टिफिशियल नाइटिंगेल है, बनावटी नाइटिंगेल है, ब्रिलियंटली ऑर्नामेंटेड विथ डायमंड्स, डायमंड से सजाया गया है, रूबीज से और
Sapphire Sam. As soon as this artificial bird was wound up, it still moved up. और ये जैसे ये artificial bird थी, इसको चाबी लगाएंगे तो इसका tail ऊपर ऊपर उठेगा और down जाएगा. Shone with a silver and golden gold से सजा हुआ था. It sang very well. इसकी आवाज़ बहुत बढ़िया थी. 2 in its own way. 3 and 30 times over did it sing the same waltz. 30 बार को या 30 बार ये सेम ही आवाज़ में गाएगी. एंड इट वॉज नॉट टायर्ड, ये थकती नहीं थी. द एम्परर सेड दैट लिविंग नाइटिंगेल ऑट टू बी शोन दिस वंडर, बट वेयर वॉज इट. लेकिन जो जिंदा नाइटिंगेल है उसके समान तो ये है, लेकिन इसमें उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है. नो हैड नोटिस दैट इट हैड फ्लोन अवे आउट ऑफ द ओपन विंडो. लेकिन असली वाली नाइटिंगेल के बारे में वो पता करते हैं तो मालूम चला कि वो खुली खिड़की से चली जाती है. कब उड़ के किसी को नहीं मालूम चलता. एंड बैक टू द ग्रीन वुड, और वो अपने हरे जंगल में वो दोबारा चली जाती है, फिर वहाँ से वापस नहीं आती है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट वन ऑफ लेसन नंबर 14 स्टूडेंट्स. वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट. So that's all for today. Thank you. Have a nice day.